हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। व्हाट इज़ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं इतने सारे, ये सब मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊँगा। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है? ये एक कलेक्शन होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिनक्स कर्नल के साथ। मतलब कि लिनक्स कर्नल के साथ कई सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हमने लिनक्स कर्नल के साथ जोड़ के बना दिया, तो उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बन गए। तो डिस्ट्रीब्यूशंस को हम डिस्ट्रो नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, सर्वर के जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, मैनेजमेंट टूल्स हो गए, डॉक्यूमेंट के टूल्स हो गए, और कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई हमारे लिनक्स कर्नल के अंदर। और इसका मोटिव क्या है इसके पीछे, कि इसका मोटिव है कि कॉमन लुक देना सबको, सिक्योर रखना, और इजी हो जाए लोगों के लिए सॉफ्टवेयर मैनेज करना कि कैसे एप्लीकेशन यूज़ करनी है, क्या यूज़ करनी है। तो हमने सब कुछ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में बांट दिया। अब इसके पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सबसे पहले रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो कि सबसे पॉपुलर है, उसके बाद उबुंटू, डेबियन, ऐसे फेडोरा है, आर्क लिनक्स है, काले लिनक्स है जो कि हैकिंग के लिए यूज़ होती है, सेंटोस है, साइंटिफिक लिनक्स है, ब्लैक बॉक्स है, अल्पाइन लिनक्स है, लिनक्स मिंट है, ल्यूनर लिनक्स है, पैरट ओएस है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब इनमें सबसे पॉपुलर जैसे मैंने आपको कहा रेड हैट, रेड हैट एक कंपनी है, बिलियन डॉलर कंपनी है ये, और ये अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट लिनक्स में ही लगाती है लिनक्स की कंपनी, और लिनक्स में ही सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाती है उसको डेवलप करने के लिए। और इस कंपनी में कई सारे, कई हंड्रेड्स ऑफ लिनक्स एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि अपने एक्सीलेंट काम के लिए जाने जाते हैं। और इसके अंदर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है कि आप कोई कंपनी में रेड हैट यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उनके जो एक्सपर्ट्स हैं लिनक्स एक्सपर्ट्स, वो आपको ऑनलाइन सपोर्ट देंगे ताकि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे नहीं। और ये सबसे बेस्ट माना जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ, सबसे बेस्ट रेड हैट लिनक्स सबसे बेस्ट है। अब दूसरा आता है उबुंटू। उबुंटू में कैनोनिकल कंपनी इसके पीछे है, और इसने क्या किया, कैनोनिकल कंपनी में 2004 में फ्री सीडीज बांटने लग गए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गए। और इन्होंने क्या किया कि इसको इजी बना दिया, ग्राफिकल लिनक्स डेस्कटॉप देना चाहते थे ये, क्योंकि सीएलआई से हटके चाहते थे हम ग्राफिकली कुछ दें, तो इसलिए बहुत पॉपुलर हो गई, ये बहुत बिका, ये भी बहुत फेमस है। ऐसे ही डेबियन, डेबियन के पीछे कोई कंपनी नहीं है लेकिन इसके पीछे कई थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये स्टेबल रहता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये थ्री वर्जन्स में आता है, एक स्टेबल, टेस्टिंग और अनस्टेबल। और ऐसे ही अदर्स जो बाकी के जितने डिस्ट्रीब्यूशंस रह गए वो अदर्स में आते हैं, जैसे कि सेंटोस, फेडोरा, ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स और साइंटिफिक लिनक्स। ये तो रेड हैट पे बेस्ड लिनक्स है, रेड हैट है उसके अकॉर्डिंग ही ये उसी पे बेस्ड हैं। सेंटोस रेड हैट की तरह है लेकिन विदाउट सपोर्ट। ऐसे ही फेडोरा है, ऐसे ही साइंटिफिक लिनक्स है जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस में काम आता है। तो ये सारे, इन सब का प्रिंसिपल सेम है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेम है, FHS इनका सेम है। ऐसे ही लिनक्स मिंट, EDU उबुंटू, के उबुंटू एंड उबुंटू मेट, ये उबुंटू पे बने हैं इसलिए ये डेबियन की तरह बहुत मिलते जुलते हैं। और ऐसे ही कई सारे और लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notifications.